नजफगढ़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ स्थापित ठाकुर जी का रूप वृंदावन के बांके बिहारी की छवि स्वरूप है, जहाँ हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। प्राचीन होने की वजह से इस मंदिर का काफ़ी महत्व भी है। तस्वीरें नजफगढ़ के ठाकुर राधा कृष्ण मंदिर की हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा और परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्थापित ठाकुर जी का रूप वृंदावन के बांके बिहारी जैसा है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद भगवान का दर्शन करने पर यह कह पाना मुश्किल प्रतीत होता है कि आप नजफगढ़ के ठाकुर जी के मंदिर में हैं या वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में। मेरा नाम पंडित कमल शर्मा है और मैं ठाकुर द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर में, जो कि अति प्राचीन है, लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है ये, मैं इसमें विगत 50 वर्षों से रह रहा हूँ। पहले मेरे पिता श्री रहते थे, उसके बाद यहाँ का पूजा का कार्यभार मैंने संभाला हुआ 25 वर्षों से अनवरत। और ये मंदिर बांके बिहारी वृंदावन की छवि की तरह बिल्कुल वैसे के वैसा मंदिर है। ठाकुर जी का दर्शन कीजिए आप और मंदिर के प्रांगण को देखिए, आपको वैसा ही आभास होगा जैसे वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि जोड़े से हनुमान जी महाराज, एक तो बजरंगबली और एक मंगलकारी हनुमान जी महाराज, जो कि ये नहीं मालूम कि कब इनकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये जमुना बाजार में जो मंदिर है उस मंदिर की रूपरेखा से ही ये यहाँ पर स्थापना हुई थी। वहाँ के मंदिर के महंत और यहाँ मंदिर में जो पहले जो पुराने महंत थे वो सब गुरु भाई, आपस में इनका आपस में नाता था। तो ये नहीं पता कब स्थापना हुई, लेकिन ये भी बहुत लगभग 100 वर्ष पुरानी हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित है, जिनकी की महिमा बहुत ही न्यारी है। और ठाकुर जी वृंदावन बांके बिहारी की छवि और यहाँ की छवि बिल्कुल एक जैसी है, जिसे देख करके किसी को यह आभास नहीं होता कि ये मंदिर बांके बिहारी का है या नजफगढ़ स्थित श्री ठाकुर द्वारा राधा कृष्ण मंदिर है। सर, और मंदिरों से क्या खास है इसमें? ये मंदिर नजफगढ़ में सबसे प्राचीन है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर लोग बाग पूरा शहर जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। हर जाति के, हर वर्ण के लोग यहाँ पर आते हैं और सबको यहाँ पर, सबके मन में बड़ी श्रद्धा रहती है। यहाँ 12 महीने लोग परिक्रमा लगाते हैं और बड़े बड़े जो जितने भी त्यौहार है वो भी बड़े विस्तृत उसके अनुसार बनते हैं। यहाँ हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, कृष्ण लीला का है, रामलीला का है और अन्नकूट का है, गोवर्धन की पूजा का है, दोनों समय की शिवरात्रि का है और राधाष्टमी का है। ये कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है।